दिल्ली में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाई तो दूसरी तरफ लखनऊ में राजनीतिक समीकरण में बदलाव दिखा। जी हां, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई उसके तुरंत बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने पहले राहुल गांधी को बधाइयां दी और फिर साथ ही साथ भाजपा पर तंज कस दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए राहुल गांधी की सजा और सदस्यता समाप्ति पर रोक लगाने संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। इस निर्णय से जहां एक ओर राहुल गांधी को न्याय मिला, वहीं दूसरी ओर देश की जनता का सर्वोच्च न्यायालय के प्रति सम्मान और विश्वास और भी मजबूत हुआ। इस निर्णय से न केवल लोकतंत्र की जीत हुई अपितु हिटलर शाही, तानाशाही और लोकतंत्र को कुचलने वाले लोगों के गाल पर करारा चांटा भी लगा। आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस का साल 2017 में गठबंधन हुआ था, पर वो गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका। लेकिन जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर अखिलेश हमलावर हुए थे और अब इस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करने का मतलब तो कुछ और ही दर्शाता है। क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव पिछले दिनों अमेठी पहुंचते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि इस बार सपा अमेठी से चुनाव लड़ सकती है, इससे ये तो साफ है कि इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी। लेकिन पटना के बाद बेंगलोर में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, वहां पर बैठकों का दौर चला और इसमें अखिलेश यादव के साथ लालजी वर्मा, राम अचल राजभर और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद थे, इससे ये साफ हुआ कि ये जो गठबंधन बन रहा है इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखा दी थी। अब इसमें आपका क्या कहना है? यूपी में बन रहे समीकरण के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।